ज्यादातर लोगों को मुझसे शिकायत रहती है, खासकर कमेंट सेक्शन में आके कुछ पुरुष लोग ये बोल कर जाते हैं कि मैम आप बस हमें ज्ञान देती रहती हो कि मेल को ये करना चाहिए, बेडरूम में मेल को ये करना चाहिए, कभी फीमेल के लिए भी कुछ ज्ञान दे दिया करो, उन्हें भी कुछ बता दो कि उन्हें किसी मेल को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अपने मेल पार्टनर के साथ किस तरह से सेक्सुअल बिहेव करना चाहिए और किस तरह से उसको खुश करना चाहिए बेड पे। तो आज ये जो वीडियो है स्पेशली फीमेल के लिए है, उन्हें इस वीडियो में पता लगने वाला है कि कैसे अपने मेल पार्टनर को खुश किया जाता है बेड पे, फोर प्ले जो कि एक बेहतर सेक्स की चाबी है, कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ कि जो फोर प्ले होता है ये बेडरूम के बाहर शुरू होता है और उसके बाद बेडरूम के अंदर। अगर आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे आज अपने मेल पार्टनर को खुद से फोर प्ले करना है, मुझे कमांड खुद अपने हाथ में लेनी है, तो फोर प्ले की शुरुआत भी आपको ही करनी होगी, उसकी प्रिपरेशन भी आपको ही करनी होगी कि आपको कैसे अपने पार्टनर को सेड्यूस करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी, बेडरूम के बाहर, जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेज का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं उसे, अपनी इंटेंशन उसको क्लियर कर सकते हैं कि आज मैं यार मूड में हूं, कुछ ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। ये चीज उसको टर्न ऑन करने में मदद करेगी, मेंटली उसका मूड बनाने में मदद करेगी। अगर वो किसी तरह की टेंशन में है या ऑफिस के काम में बिजी है या ऑफिस का कुछ प्रेशर है, तो अपने उस टेंशन को, अपने उस प्रेशर को ऑफिस में लॉक करके ही आएगा कि हाँ मेरी जो वाइफ है आज मूड में लग रही है, आज सेक्सी अवतार में है, तो आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका उसको बातों बातों में सरप्राइज देना, उसे क्लू देना, ये उसकी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएगा, उसके अंदर बेचैनी क्रिएट करेगा, वो हवा में चलना शुरू हो जाएगा, मतलब उसे खुशनुमा माहौल, उसके आजू बाजू जो उसका ऑरा है बस खुशनुमा हो जाएगा और उसे लगेगा कि कुछ मेरे लिए स्पेशल है जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्लान किया है। चलो हस्बैंड जी आ गए अब आपके घर पे, मेंटली तो वो टर्न ऑन है, आपने पहले ही उनको खुराक दे दी है, वो मेंटली यहाँ से एक्टिव है, अब उन्हें करना है फिजिकली एक्टिव। तो फिजिकली एक्टिव आप बेडरूम में ही करोगे, तो बेडरूम में आकर आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड की पांचों ज्ञान इंद्रियों को एक्टिव करना है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है फोर प्ले से। आप फोर प्ले के थ्रू ही वो चीज कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद को प्रेजेंट कीजिए सेक्सी हॉट अवतार में, कोई भी ऐसा सेक्सी ड्रेस जिसमें से अंगों का प्रदर्शन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, कुछ एक्सपोज हो भी रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है, वो आप खुद देख सकते हैं आपको किस तरह का हॉट और सेक्सी ड्रेस पहनना है। तो इस तरह से आपने क्या किया, खुद को वो सेक्सी अवतार में प्रेजेंट करके उसके सामने उसकी जो ज्ञानेंद्री है, जो आंख उसकी जो ज्ञानेंद्री है, उसको आपने एक्टिव किया, सम्मोहित किया, आकर्षण दिया, लुभाया। दूसरी ज्ञानेंद्री क्या है, कान, आपको उसके कानों को एक्टिव करना है, जिसमें आप अपनी उंगलियों का यूज कर सकते हो, ऐसे करके उसके कानों के आसपास इस तरह से उंगली फहराओ, आप टंग का भी यूज कर सकते हो, टंग प्ले करो, इसे सहलाओ इस तरीके से, आप बाइट भी कर सकते हो, उसके कानों में कुछ ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसा स्पाइसी सा उसको, उसकी तारीफ कर सकते हो, उसे कुछ ऐसा बोल सकते हो जो उसके अराउजल को बढ़ाए, उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, कुछ भी ऐसा जो उसे पसंद हो, गहरी सांस से उसे सुना सकती हो, अपनी मॉर्निंग उसको सुना सकती हो, अपनी आवाजें, अपना वो हॉट सेक्सी अवतार उसको दिखा सकती हो और बोलते हुए उसे सुना भी सकती हो कि तुम उससे क्या चाहती हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट, तारीफ सबको अच्छी लगती है। आप अगर ये सोचो कि नहीं ये तो फीमेल को ही अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं है, मेल पार्टनर को भी आपकी तारीफ पसंद होती है कि हाँ मेरी जो पार्टनर है उसे मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है वो खुलकर बोले, तो आपको तारीफ करनी है उसकी, क्योंकि ये उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आपको उसकी शोल्डर पसंद है, चेस्ट पसंद है, एब्स पसंद है, किस बॉडी पार्ट की आप उसके दीवाने हो उसे बोलिए, ये उसको टर्न ऑन होने में मदद करेगा, वो सुनना चाहता है भाई कौन सी पोजीशन में करना आपको उसका सबसे ज्यादा अराउज करता है, वो कौन सी पोजीशन में आपको सबसे ज्यादा हॉट और सेक्सी लगता है, इस बारे में बोल सकती हो। आप उसका थंब लेके सक भी कर सकती हो, क्योंकि यही तो वो मूवमेंट है, जब आप उसको अराउज करोगे तो बातें करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, अपनी इच्छाएं जाहिर करते हुए उसके थंब को सक कर सकती हो। नाउ फोर्थ पॉइंट, ओरल, अगर आप कंफर्टेबल महसूस करती है, आप इतनी ब्रॉड माइंडेड हैं कि आपको ओरल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आप उसके जेनिटल के साथ ओरल प्ले कर सकती है, इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता उसे स्टिमुलेट करने का, उसे अराउज करने का, उससे एक्साइटमेंट से भरने का, ये तो दी एंड है। जैसे कहते हैं ना कि एक जादूगर की जो जान है वो तोते में होती है, सेम इसी तरह से किसी मेल की जो जान है उसके पप्पू में होती है। अब आप जैसे चाहे वैसे उसके साथ टंग प्ले करके उसको स्टिमुलेट कर सकती हो, ओरल करते हुए अगर वो तन के खड़ा हो जाए तो तुम उसे बोल सकते हो इट्स सो हार्ड,
ये चीज उसको अराउज करेगी, उसको मोटिवेट करेगी, उसके पागलपन को बढ़ाएगी। ये जो मैंने 4 टिप्स आपको बताए ना, ये ही काफी है, क्योंकि किसी पुरुष को अराउज करने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती कंपैरिजन ऑफ फीमेल। जहां फीमेल को अराउज करने में, उसे स्टिमुलेट करने में, उसको एक्साइटेड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वहीं इसके कंपैरिजन में किसी मेल को अराउज करने में, उसको फोर प्ले करने में, उसको एक्साइटेड करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अराउज हो जाते हैं सिर्फ आपके हल्का सा इशारा करने पे कि हाँ आप मूड में हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मन होता है ना एक मेल का भी कि यार मेरी वाइफ या मेरी जो पार्टनर है आज खुद से कमांड ले, खुद से चीजों को करे। तो इस तरीके से करके आप अपना भी सहयोग दे सकती हैं, उसे दिखा सकती है कि यार मैं भी कुछ हूँ, मैं भी तुम्हें अराउज कर सकती हूँ और तुम्हारी हालत खराब कर सकती हूँ।